गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग शुरू करने वाले थे वो ITF का क्वेश्चन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ लिए थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने आपको सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उस पर आपका सारा क्वेश्चन बेस्ड है। कोई भी क्वेश्चन को प्रूव दैट क्वेश्चन आएगा तो अंत में इस कंसेप्ट का उपयोग आपको करना पड़ता है। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट जो हम बताए हैं उसको थोड़ा सा आपको मैं फिर से बता दूं कि ITF में, ITF का मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम बताए थे कि दो सेम फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? दो सेम फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, एक आपका इनवर्स होगा, दूसरा आपका जनरल होगा, तो वैल्यू इसका एंगल होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, सेम। अगर ये आपका साइन होगा तो ये भी आपका साइन होगा, ये आपका कॉस होगा तो ये भी आपका कॉस होगा, ये आपका टैन होगा तो ये भी आपका टैन होगा, ये आपका कॉट होगा तो ये भी आपका कॉट होगा। ये दोनों फंक्शन जो है इनवर्स और जनरल, वो दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, एंगल होगा। ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में रट जाइए, फिट कर जाइए, अदरवाइज आगे जो भी क्वेश्चन बनाइएगा बनेगा ही नहीं, वहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हम साइन इनवर्स साइन एक्स लिखेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका इनवर्स है, ये आपका जनरल है, जे पर माइनस वन लग जाता है उसको हम इनवर्स कहते हैं, जे पर माइनस वन नहीं लगता उसको हम लोग जनरल कहते हैं। तो इस दोनों में एंगल कहाँ है, इसका तो एंगल है ये नहीं है, एंगल तो केवल यही एक्स दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर आपका एक्स होगा, समझ गए। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि टैन इनवर्स टैन एक्स बाई टू, तो वैल्यू कितना होना चाहिए इसका, एक्स बाई टू, एंगल को लिखना है। उसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस एक्स, समझिएगा, तो ये तो साइन है लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कॉस आ गया, लेकिन कंसेप्ट में आपको हम क्या दिखाएं, सेम होना चाहिए। तो ये साइन है और ये कॉस है, तो इसका वैल्यू एक्स नहीं होगा, इसका वैल्यू एक्स नहीं होगा, मतलब इस कॉस को किस में चेंज करना होगा, साइन में चेंज करना होगा। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर साइन एक्स को कॉस में चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू साइन। उसी तरीके से अगर आप कॉस एक्स लिखिएगा तो साइन 90 माइनस एक्स का मतलब 90 में से एक्स को घटा दीजिएगा ना, तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, साइन बन सॉरी टेन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे पहले भी कि टेन एक्स को कॉट में बदलना होगा तो कॉट 90 माइनस एक्स लिख दीजिएगा, अगर कॉट एक्स को टेन में बदलना होगा तो टेन 90 माइनस एक्स लिख दीजिएगा, और यहाँ पर सेक एक्स को बदलना होगा तो कॉसेक 90 माइनस एक्स लिख दीजिएगा। और देखिए अगर आपको कॉसेक एक्स को बदलना होगा तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, सेक 90 माइनस एक्स, समझ गए। अब देखिए ये काम तो हम लोग कर लिए, अब यहाँ पर इस कॉस को किसे बदलना है, साइन में। तो देखिए कि ये कॉस एक्स के जगह पर क्या लिखा होता है, साइन 90 माइनस एक्स है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिएगा साइन इनवर्स कॉस एक्स के जगह पे साइन 90 माइनस एक्स, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू को हम लोग 90 पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो दोनों में दो से भाग दीजिएगा तो ये बन जाएगा पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा 90, नहीं समझ में आया, इधर भी दो से भाग दीजिएगा इधर भी दो से भाग दीजिएगा, इधर दो से भाग नहीं लगा इसलिए पाई बाई टू रह गया, लेकिन इसमें दो से भाग लग गया इसलिए 90 हो गया, है ना। तीन से अगर भाग दीजिएगा तो क्या लिखेगा, पाई बट्टा थ्री, ए में तीन से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यही तो खेला करना है। चलिए तो अब बताइए इसका वैल्यू तो एक्स हो नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों सेम नहीं था, लेकिन अब देखिए तो दोनों सेम लग रहा है,
खूब बढ़िया से सेम लग रहा है, वो साइन है, वो साइन, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। यह एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना। यह पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे कौन कैसे हुआ वो समझ में आ गया। अब इसका दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, दूसरा कंसेप्ट आपको हम बताए थे कि जो भी जनरल फंक्शन है उसको इनवर्स बनाने के लिए सटाते और हटाते, समझ में आया बात, सटाना है और हटाना है। अगर मान लीजिए कि हम लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो ये इनवर्स है तो इसको क्या बनाना है, जनरल। तो ये जो थीटा जो है ना हटा हुआ, वो एक्स के जगह पर जैसे ही सटेगा वो जनरल बन जाए, तो इसको आप लिख दीजिएगा इधर ला के साइन थीटा, और ये एक्स को हटा के ने कर दीजिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा हम करेंगे अभी, क्योंकि जब हमको साइन में और कॉस में टर्म दिया रहेगा तो उस केस में आपसे पूछता है कि हमको टैन इनवर्स में प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन रहेगा आपका, एगो टैन में दे देगा, एगो साइन में दे देगा, अब प्रूफ रहेगा टैन में, तो साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, टैन में चेंज करना पड़ेगा, तो टैन में चेंज कैसे कीजिएगा, ऐसे ही उसको चेंज करिए, समझ गए। अब मान लीजिए कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा बराबर एक्स निकाल दिए, तो क्या यहां से टैन थीटा का मान निकलेगा, खूब बढ़िया से निकलेगा सर, इसके नीचे वन मान लीजिएगा सर, अब ये बन गया पी, ये बन गया एच, पी बाई एच बन गया ना, तो पी और एच बन गया, तो बी यहां से नहीं निकल जाएगा, तो बी इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर माइनस पी एच, क्लियर हो गया, समझ में आया। तो एच यहां पर कौन है, एच यहां पर कौन है, पी यहां पर पी बाई एच, एच यहां पर वन है, वन माइनस टेन थीटा का मान क्या लिखेगा बोलिए, पी बाई बी ना सर, फिर साइन थीटा बाई कॉस, पी बाई बी यार, पी बी एच है तो, अरे तुमको पी मिल गया, तुमको एच मिल गया, तुमको बी मिल गया, जब तीन को चीज हमको मिल गया तो टेन थीटा पूछे, कॉट थीटा पूछे, जोन थीटा पूछना है, पूछे ना भाई, ये तीनों का उपयोग करते हैं, हमको टेन थीटा पूछना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे, पी बाई बी, पी का मान देखिए कितना है, एक्स बाई अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमको टेन इनवर्स का मान पूछना है, तो थीटा निकालिएगा, तो टेन इनवर्स लिख दीजिएगा एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अब यहां समझिए एक कंसेप्ट है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो मान होगा वही मान यहां होगा। साइन में थीटा का मान साइन में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, तो थीटा का मान टैन में क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये इसके क्या हुआ, बराबर, समझिए इस बात को, क्योंकि यहां थीटा बराबर दिस है और यहां भी थीटा बराबर दिस है, तो थीटा बराबर थीटा नहीं पड़े आज तक, और थीटा थीटा के बराबर होता है ना भाई, तो यहां ये थीटा साइन इनवर्स एक्स है, तो ये भी तो थीटा ही निकला है ना, यानी टैन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का मान जो होगा वह टैन में क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स जहां पर होगा वहां पे टेन का मान रखना होगा, तो ये वाला भाई रख दीजिएगा और फिर सॉल्यूशन करने के लिए कहेगा तो कह कर दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब आपके दिमाग में फिर से खटपट 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 होने लगा होगा, इस सर पता नहीं क्या बोल दिए, हमको समझ में आया नहीं, इस सर कह रहे हैं कि बराबर ही होगा, अभी निकाले तो हैं लेकिन थोड़ा सा हमको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो आप इसको फिर से चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे चेक कीजिएगा, तो x के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, साइन थीटा, क्या पुट कीजिएगा, साइन। अब पूछिए कि साइन थीटा कैसे आप जान गए सर, कॉस थीटा हमको तो नहीं बुझाया, कॉस थीटा पे रखने का मन किया होगा आप लोग को, नहीं तो देखो बाबू
हमको साइन के बराबर करना है, तो यहाँ कॉस रखिएगा तो साइन के बराबर से लगेगा। इसके बराबर करना है तो एक्स के जगह पर क्या पुट करना होगा, साइन। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर आप देखिए ना, साइन थीटा मान रख के देखिए, टैन इनवर्स एक्स के जगह पर कितना, साइन थीटा। क्यों साइन, क्यों साइन रखे, क्योंकि साइन में क्वेश्चन है। तो साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है? अब बताइए टैन इनवर्स, ठीक ना, साइन थीटा ऊपर तो रहेगा और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सारे कुछ होता है, ये होता है, लिख दे तो लाइन लिख देते। अब ये हो गया कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसी का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का। बहुत समझदार है आप लोग, टैन इनवर्स टैन थीटा, तो वैल्यू क्या निकला, आया समझ में? तो थीटा निकल गया, एक्स के जगह पर आप क्या पुट किए थे, एक्स बराबर आपने क्या पुट किया था, थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स आ गया। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया? तो आपने एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चेंज करना भी सीख, मतलब अगर मुझे टैन इनवर्स का मान पता है तो उसको कॉस में भी चेंज करने हमको आता है, टैन में भी चेंज करने हमको आता है। कैसे आया, तो हम लोग थीटा का मान जो भी साइन इनवर्स में मान या कॉस इनवर्स में या टैन इनवर्स में दिया हुआ होगा उसको थीटा के बराबर मान के, किसके बराबर, थीटा के बराबर मान के जनरल फॉर्म में ले आएंगे। देखिए थीटा के बराबर मान के जनरल फॉर्म में लाए, जनरल फॉर्म में जैसे ही आएगा तहां से खोजेंगे किसको किसको, पी को बी को और एच को। पी बी और एच जब मिल जाएगा तो आपको टैन पूछे, कॉट पूछे, सेक पूछे, कॉसेक पूछे, माने पांच गो जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका मान हम निकालने के लिए सक्षम हैं। अगर हम ये पांच में से पांचों को निकाल लिए तो आपको टैन में प्रूफ करने के लिए कहेगा तो टैन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन में प्रूफ करने के लिए कहेगा तो साइन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक में प्रूफ करने के लिए कहे तो सेक वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और फॉर्मूला को लगाते जाइए और आंसर को पाते जाइए। बताइए कोई कंफ्यूजन है? तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दूसरा ये चेंज करने वाली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और तीसरा मैंने बताया था कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला जनरल याद है तो इनवर्स बताने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कैसे बनता है, पिछला वीडियो आप लोग खोल के देख लीजिएगा, आपको वहां से ये बात समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला भी मैंने बना बना के लिखा है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट पता चल चुके हैं तो हम लोग आराम से क्वेश्चन बनाना जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आज, आप लोग एनसीईआरटी का बुक लाए होंगे तो एनसीईआरटी का हम सबसे पहले करवा देते हैं, ताकि एनसीईआरटी आपका सिलेबस है तो एनसीईआरटी का हम आईटीएफ अभी करवा देते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करें। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है, देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.1, एक्सरसाइज 2.1 जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, समझे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए वही टोटल इसमें क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू का। तो हम एक आध दो क्वेश्चन बना देते हैं। यह एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो हम लोगों को इनवर्स को जनरल बनाने के लिए क्या कंसेप्ट बताया, लेट थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 1/2। कोई डाउट है,
अब ये बन जाएगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 कितना डिग्री के मान होता है साइन में, 30 डिग्री का माइनस वन बाई टू। सॉरी, तो -1/2 कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए कि साइन में -1/2 कितना डिग्री के वैल्यू, 30 डिग्री के। हम बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में लिखा निकाल दीजिएगा, और जो माइनस रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -30 डिग्री लिख सकते हैं। yes. क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अब बताइए साइन साइन हट गया तो थीटा इज इक्वल टू आ गया -30 डिग्री, और 30 डिग्री को पाई के रूप में क्या लिखते हैं, पाई बाय 6। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू -π/6 आपका आंसर। समझ में आया? अगर आपको डायरेक्ट याद है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, दो नंबर वाला में पूछेगा तो इतना लमड़ा दीजिएगा, एक नंबर में पूछेगा तो कोई लमड़ाने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू हमको π/6 पता है, माइनस लगा दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया बात? अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप देखिए cos √3/2। तो क्या लिखेंगे, फिर से वही गीत गाएंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू cos √3/2। अब यहाँ से देखिए cos थीटा इज इक्वल टू कितना, √3/2। अब √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है सर, ये भी 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ये भी 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है। तो लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो रेडियन में इसको चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। ये भाई साहब प्लस में थे इसलिए प्लस में आ गया आंसर, कोई डाउट है? अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं cosec inverse 2। तो फिर से वही गीत गाएंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू cosec inverse 2। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 2, और ये 2 किसका मान, 2 किसका मान, 30 डिग्री का। तो मजा वाली बात है कि सब 30 30, ऐसे ना कि सब जगह π/6 से मार के चल रहे नहीं, देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है सारा, तो मैं क्या करूँ, cosec 30 डिग्री तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियन में चेंज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/6। तो देखिए भैया, ये डिग्री में हुआ और ये रेडियन में। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आप लोगों को फंसाने के लिए डिग्री में कह दे कि डिग्री में, तो इसका वैल्यू लिखिए डिग्री में, तो लिखिएगा 30 डिग्री रेडियन, और प्रिंसिपल पूछेगा तो ज्यादातर रेडियन में ही रहता है ऑप्शन, तब तो आपको पता ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2.1 एक्सरसाइज का, जैसा कि हमको लगता है कि आपको पता चल चुका है कि सब बन जाएगा, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, तो 2.1 आपका समाप्त हो गया। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हो, देखिए 13 नंबर, अच्छी बात है, बताइए, देखिए होशियार की दुनिया में कोई कमी नहीं है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको देख के भी शर्म आना चाहिए, हम आपको दिखाते हैं, शर्मा देते हैं, कोई बात नहीं। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। अब कहता है कि देन, या जो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा वो हमको बताइए। तो साइन थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करता है नहीं पता है, -π/2 से लेके π/2 तक। प्रिंसिपल वैल्यू के पहला बात हम यही पढ़ाए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू, और कहां से कहां के बीच में लाई करता है। तो अब बताइए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई नहीं, तो यहां पे साइन वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो हमको किसके रूप में लिखना है, वाई के रूप में लिखना है। तो वाई इज लाइज बिटवीन, बताइए ये जो वाई है ना वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। तो सर अभी तो बताए थे पहले हम -π/2 से लेके π/2
टू के बीच में कहीं ऐसा ऑप्शन देगा कहीं पर माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू और क्लोज इंटरवल दे देगा तो ये आपको समझना होगा कि यही बात है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके लिए होता है? क्लोज इंटरवल के लिए होता है। तो आपको क्लोज इंटरवल में भी दे सकता है, इस ऑप्शन में भी दे सकता है और इस ऑप्शन में भी दे सकता है। तो आपके बुक में ये वाली बात लिखा हुआ है तो ये आंसर हो गया, किसी और के बुक में ये वाली बात लिखा हुआ है तो ये आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसी तरीके से एक्सरसाइज। आपको इसमें नहीं क्वेश्चन है, जो होगा तो बन ही जाएगा, अब आइए नहीं तो कहाँ से बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 2.1 को मेटा के 2.2 कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पर देखिए फिर शर्माने वाला क्वेश्चन है आपके पास, समझे, जो अभी आपको हम फिर से आपको बता रहे हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है वो सभी प्रूफ दैट क्वेश्चन है। अब मुझे कुछ अपना सेंस भी लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे उसको जरा जान लीजिए। इसमें आपको करना क्या है कि जिस किसी क्वेश्चन में को प्रूफ करने के लिए आपको दे, तो अगर आपके पास पहले से जनरल मौजूद है या इनवर्स मौजूद है, तो जो बाकी का जो टर्म दिया हुआ है उसको आप उसी रेशियो में लाना, ताकि एक जनरल और इनवर्स का कॉम्बिनेशन बने और उसका आंसर एंगल हो, समझ गए। तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो थ्री प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये सब क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में खूब अच्छे से बताया था। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, समझ गए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे तीसरा भी क्वेश्चन हो सकता है, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x। ऐसा क्वेश्चन नहीं बल्कि मैंने फॉर्मूला लिखाया, क्लियर है। अब मुझे दिस इजकल टू दिस प्रूफ करना है, तो आप क्या करोगे ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, आप किसको लेंगे? RHS को। इसको लेंगे RHS को। तो हम लोग ले लेंगे कि पहला क्वेश्चन को सेंस LHS इजिकल टू क्या, सॉरी RHS इजिकल टू क्या है वो आप देख लीजिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, कोई डाउट है तो बोलिए। मुझे किसमें प्रूफ करना है? साइन में प्रूफ करना है। अभी मैंने बोला कि जिसमें जिसको प्रूफ करना होगा एक्स के जगह पर उसी को माने लेंगे, तो एक्स के जगह पर क्या मानना पड़ेगा? साइन थीटा की कॉस थीटा, पक्का? yes. सोच लिए? yes. मान ले? अच्छी, तो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू कितना? साइन। कोई कंफ्यूजन? अब यहीं से उठाएंगे और साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा लिख देंगे। यह किसी का फॉर्मूला होता है क्या? साइन 3 थीटा का, पक्का? yes. तो यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब बोलो बाबू ये कौन है? इनवर्स। ये कौन है? वैल्यू क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे? अब एक्स बराबर कितना? तो थीटा बराबर कितना? एंस थीटा इक्वल टू, माने जहाँ थीटा है वहां पर क्या पुट कर सकते हैं, तो बराबर देंगे और 3 साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स है ना बेटा, यहाँ पर इसको थीटा की जगह पर उठा के रख दिए,
LHS में तो ये था, RHS में क्या था? देखिए पहला क्वेश्चन, थ्री साइन इनवर्स x है, थ्री साइन इनवर्स x आ गया तो प्रूव नहीं हुआ, तो प्रूव हो गया, कोई डाउट है? अब मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना है, नहीं बनेगा क्या? x के जगह पर क्या पुट करेंगे? cos थीटा, तो 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, और cos 3 थीटा हो गया तो यहाँ पर इनवर्स और यहाँ पर जनरल, तो वैल्यू विल बी एंगल कितना हुआ? 3 थीटा। तो बताइए आपने cos पुट किया था, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। कोई डिड डाउट? अब यहाँ पर देखिए, इसमें x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा? tan थीटा। क्या पुट कीजिएगा? tan थीटा। क्या बनेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसी का फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, इसका होता है tan थीटा। tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर कितना? 3 थीटा। यस सर। फिर से 3 थीटा आ गया, tan पुट किए थे, इसलिए यहां पर tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x हो गया। समझ में आया? अब बताइए, तो क्या ये तीनों क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, तो पहला मैंने प्रूफ करके दिखाया, दूसरा और तीसरा को हिंट भी मैंने बताया, तो आप लोग जल्दी से ये दोनों को प्रूफ कर लीजिए और आगे फिर हम लोग बताएंगे। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर्म का, ए ए लड़की देखो अब जो है से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसी के आधार पर नहीं, आप थोड़ा सा इसका चेंजिंग कर दिया, चेंजिंग क्या है वो देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूफ करना है, ये भी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब प्रूफ दैट है। अब बताइए, अब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया ना, तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला सेट हो रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो सबसे पहले LHS आप लोगे, LHS बराबर लिख दोगे, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/11 लिख देंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस y मतलब 2/11 प्लस 7/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/11, फॉर्मूला यूज कर दिए। अब यहां पे देखिए, tan इनवर्स 11 का LCM कितना होगा? 11 ही होगा। यहाँ पे 2 प्लस 7 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 11 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 121। ये आपका हो जाएगा 121, 121 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये 121 हो गया, डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि LCM लेंगे, देखिए इसका लिख दिए, ये डिवाइड हो गया, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 121 होगा माइनस 40, यही ना, यही होगा। yes. अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 7 बच जाएगा और ये बच गया आपका 1110 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 107 डिवाइडेड बाय 121। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 9 डिवाइडेड बाय 11 121 ऊपर चला जाएगा और 170 नीचे आएगा। अब इसको, अच्छा कोई बात नहीं है, तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, कुछ और लिख देंगे, क्या दिक्कत? अगर क्वेश्चन गलती लिखा गया तो लिखा दे दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि 11 से 11 कट जाएगा है, और ये 107 है तो कटेगा क्या? ये 7 और 1 नहीं कट रहा है ना, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? tan इनवर्स
यहाँ पे 11 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 99 और 17 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन था कुछ शायद गलती लिखा गया था यहाँ पे 24 था तो हम 11 नहीं लिख दिए, तो कोई गड़बड़ है नहीं, बनाना सीख गए ना। तो आप इसको प्रूफ को हटा दीजिए, यहाँ से जो आपको आया है वही आपका प्रूफ दैट में हो जाएगा। टेन इनवर्स 99/107। अब यहाँ पे 24 कर दीजिएगा, समझे, तो आपका आंसर 1/2 जो आना था वो आ जाएगा। समझ गए, तो टेंशन नहीं है, इस तरीके का भी प्रश्न रहेगा तो आपसे बन जाएगा आराम से। तो टेन इनवर्स x वाले वाली बन गया। अब जो है प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इधर का जो भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम थोड़ा सा हिंट करने चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे आराम से बन जाएगा, वही जो अभी बताया कंसेप्ट, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला लगा के। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, x के जगह पर यहाँ टेन इनवर्स है ना, तो x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, टेन थीटा। x के जगह पर टेन थीटा पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर टेन इनवर्स यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 है ना, टेन इनवर्स 1/x²-1, तो x²-1 है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, है ना, या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके बना सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, tan थीटा। नहीं समझ में आया, तो x के जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, tan थीटा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 में। अरे क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 5 जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1+x²-1/x। x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, tan थीटा पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रूफ क्या करना है, वो केवल आंसर लाना है, समझ में आ गया। x के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, tan थीटा आ जाएगा आपका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में है, tan इनवर्स 1/√x²-1। x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, sec थीटा पुट कर दीजिए, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा होता है, और ऊपर जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, और जब cot थीटा हो जाएगा तो cot थीटा के लिए हम tan चेंज करने के लिए आता है, tan 90-θ कर देंगे आ जाएगा। तो इस तरीके से 6 नंबर हो गया। 7 नंबर आप देख सकते हो कि tan इनवर्स अंडर रूट 1-cos(x) और 1+cos(x). अब बताओ भाई, इसको हमको सबको क्या लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको तोड़ के किस में लाना होगा, tan में। तो tan में कैसे टूटेगा, तो फॉर्मूला दिख रहा है, 1-cos(x) का फॉर्मूला बताइए, हैं 2sin²x/2, और 1+cos(x) का फॉर्मूला 2cos²x/2। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो भाई साहब याद करना पड़ेगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और स्क्वायर में से रूट निकलेगा तो केवल क्या बच जाएगा, टेन एक्स बाई 2 इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल। नहीं समझ में आया है, तो ये आपका 7 हो गया। 8 नंबर भी आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नहीं ना है। अब बताइए इसको टेन में चेंज करना है, क्या करेंगे, तो सब में कॉस एक्स से भाग देंगे, कॉस एक्स से भाग देंगे तो क्या होगा भाई, टेन इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कितना होगा, 1, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। काम हो गया, अब आइए थोड़ा सा और नीचे आइए, इसमें भी कॉस एक्स से भाग दिया, सब में कॉस एक्स से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, 1+tan x। अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, tan इनवर्स 1 के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, tan π/4। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी बहुत बार हम बताएं, tan π/4 - tan x/1+tan π/4 × tan x लिख सकते हैं, क्लियर, tan x लिख सकते हैं ना। अब देखिए tan A - tan B / 1+tan A × tan B, किसी का फॉर्मूला होता है, tan A - B का,
चलिए अच्छी बात है, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है बात? तो कहीं कुछ नहीं है, आप अगर इसको दिमाग में बैठा दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो x के जगह पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो कि tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x के जगह पर क्या पुट करना होगा, x के जगह पर a साइन थीटा पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर a है, 1 था तब ना हम केवल साइन थीटा cos थीटा पुट करते थे। तो अब पुट करना होगा x के जगह पर a साइन थीटा, आंसर आ गया। और आपको याद होगा कि मैंने इनवर्स डिफरेंशिएशन एक टॉपिक पढ़ाया था, इसमें खूब प्रूफ करने के लिए उसमें 54 क्वेश्चन था, 54 क्वेश्चन याद होगा, और मैंने 54 क्वेश्चन को बनवाया था। आप वीडियो खोल के देखिए, मैंने इनवर्स कंडीशनल इनवर्स डिफरेंशिएशन टॉपिक है, उसमें खूब क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, समझे। तो वहां से आपको सीखने के लिए 9 नंबर हो गया, 10 नंबर में x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, a tan थीटा, 10 नंबर में x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, a tan थीटा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब बताइए sin इनवर्स 1/2 इन्हें सॉल्व करिए, sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा बताओ भाई, 2 cos x into 2, यहाँ पे sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है पाई बाई 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए पाई बाई 6 कट गया, पाई बाई 3 हो गया, आया कि नहीं आया, सुन ये x में पाई बाई 3, तो अब क्या हो गया tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/2, तो tan इनवर्स 2 into 1/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना था पाई बाई 4, तो लिख दीजिए पाई बाई 4 और ये आंसर हो गया। तो बताइए कुछ दम है इसमें, है तो बताइए। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इसमें हम अगर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो 11 नंबर हो गया, 12 नंबर में भी आप बना सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a किसी का फॉर्मूला होता है, अरे अभी तो बोला पाई बाई 2 का, तो 12 नंबर क्वेश्चन में वही लिखना है cot पाई बाई 2, और cot पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आता है, cot में पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आता है, cot 90 डिग्री का वैल्यू लिख दीजिएगा जो आएगा सो, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, तो देखिए 13 नंबर में क्या कीजिएगा, अंदर वाला जो है sin इनवर्स 2x / 1 + x² + cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y², x के जगह पर एक बार पुट कीजिएगा tan थीटा और y के जगह पर पुट कीजिएगा tan phi। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर, 13 नंबर में आपको क्या करना है थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, है ना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपका दिया हुआ है 13 नंबर में tan 1/2 sin इनवर्स 2x / 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, ठीक। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, x के जगह पर क्या पुट करना है, पुट x इजिकल टू टेन थीटा एंड y इजिकल टू, क्योंकि अलग अलग है ना, तो y इजिकल टू टेन फाइव पुट कर, तो x के जगह पर टेन थीटा पुट कीजिएगा, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 फाइव के बराबर। तो यहाँ हो गया आपका tan 1/2 sin इनवर्स x के जगह पर पुट किए तो कितना हो गया sin 2 थीटा, समझ गए, थीटा ना माने हो, और यहाँ पे फाइव माने हो तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 phi। अब देखिए इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल, इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल, तो tan 1/2
और तो 2θ + 2π, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है, तो tan 1/2 into 2 थीटा प्लस कितना 5, 2 खत्म। अब यहाँ पे tan थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x, फाइव की जगह पर क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, अरे खूब याद है आपको, tan इनवर्स लिख दीजिए x + y / 1 - x * जनरल इनवर्स वैल्यू विल बी एंगल हो गया, तो यही तो आंसर भी हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो भी होगा हम बना सकते हैं। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका समाप्त हो गया, समझे, इस पर जो डाउट्स होगा, क्वेश्चन होगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको हम बता देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।